केंद्र सरकार ने हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल के भारतीय ऑफिस से जुड़े बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, जिसके कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह दावा करते हुए अपनी दुकान बंद की कि केंद्र सरकार उसके पीछे हाथ धोके पड़ी हुई है। लेकिन केंद्र सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के झूठे दावों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने स्पष्टीकरण में एमनेस्टी इंटरनेशनल को बुरी तरह धोया। पीआईबी द्वारा जारी बयान का शीर्षक ही सरकार के इरादे बताने के लिए पर्याप्त था। मानव अधिकारों की आड़ में देश के कानून नहीं तोड़े जा सकते। फिर एक एक करके केंद्र सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल के करतूतों की अपने बयान में पोल खोलनी शुरू कर दी। केंद्र सरकार के बयान के अनुसार एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एफसीआरए के अंतर्गत केवल एक बार स्वीकृति पाई थी, और वो भी 20 वर्ष पहले 2000 में। तब से आज तक एमनेस्टी इंटरनेशनल को एक बार भी एफसीआरए से स्वीकृति नहीं मिल पाई है। लेकिन इस अधिनियम से बचने के लिए एमनेस्टी के यूके विभाग ने भारत में पंजीकृत 4 संगठनों को भारी मात्रा में पैसे भेजे, जिसे उन्होंने विदेशी निवेश की संज्ञा दी। काफी धनराशि एफसीआरए के अंतर्गत गृह मंत्रालय की स्वीकृति के बिना भेजे गए, और यह देश के कानून के विरुद्ध भेजा गया था। इससे पहले भी एमनेस्टी इंटरनेशनल को इन्हीं कारणों से भारत में अपनी गतिविधियों पर रोक लगानी पड़ी थी, क्योंकि तत्कालीन यूपीए सरकार ने लंदन में स्थित मुख्य कार्यालय से फंड की आपूर्ति पर रोक लगाई थी। 2006 से 2 बार ऐसी याचिकाओं को निरस्त किया गया था। वित्तीय अनियमितताओं के कारण प्रवर्तन निदेशालय ने 2018 में बेंगलुरु स्थित एमनेस्टी के कार्यालय पर छापा भी डाला था, जिसके बारे में टीएफआई पोस्ट ने अपनी पिछली पोस्ट में भी बताया है। बता दें कि अभी कल ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपने भारत संबंधी सभी गतिविधियों को निरस्त करने का निर्णय लिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के ट्वीट के अनुसार सरकार के दमनकारी नीतियों के कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल अब भारत में मानव अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाएगी। यानी सरकार के दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण एमनेस्टी इंटरनेशनल के विरुद्ध कार्रवाई हुई, जिसके कारण उसे भारत में अपने ऑफिस को बंद करना पड़ा है। परंतु केंद्र सरकार वहीं पर नहीं रुकी। अपने बयान में एमनेस्टी के कथित मानवाधिकार संरक्षण की पोल खोलते हुए उन्होंने कहा, मानवाधिकार और सच्चाई की जो ये लोग दुहाई दे रहे हैं वो कुछ नहीं बल्कि अपने गतिविधियों से ध्यान हटाने की चाल है। इस तरह के बयान उक्त संगठन के विरुद्ध जांच पड़ताल पर भी काफी असर डालेंगे। जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है तब से उन्होंने किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती है, चाहे अवैध फंडिंग की बात हो या एनजीओ की आड़ में गैर कानूनी धंधों को बढ़ावा देना हो। एमनेस्टी इंटरनेशनल इन लोगों से बिल्कुल भी भिन्न नहीं है, और इस बार उसकी पोल खोलने में केंद्र सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है।